हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। हम अपना चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं आज, एक्सपोनेंट एंड पावर्स। आज हम इसकी लास्ट एक्सरसाइज करेंगे 13.3। इस एक्सरसाइज में जो हमारे क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे नंबर, एक्सपेंडेड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा अभी क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके पास, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। इस नंबर को आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे कि हमारे पास इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, जैसे कि आपने पहला डिजिट लिया 2, इन टू में क्या करना, आपने 2 के जो पीछे कितने भी डिजिट हो, 1 2 3 4 5 डिजिट है, हम लिखेंगे 10^5। 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10^5 से, प्लस नेक्स्ट डिजिट क्या है हमारे पास, 7। 7 के पीछे डिजिट कितने हैं, 4, तो लिखेंगे 10^4। नेक्स्ट क्या आया, 9। 9 के पीछे डिजिट कितने हैं, 3, तो लिखेंगे 10^3। प्लस फिर आया 4। 4 के पीछे डिजिट है 2, तो 10^2। प्लस फिर आया 0। 0 का भी लिखना आपने इनटू में 10^1 ऐसे। प्लस 4 आया, फिर 4 के पीछे कोई भी डिजिट नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 0 डिजिट है मतलब कोई डिजिट नहीं है, तो 10^0 आपने लिखना है। तो ये जो क्या होगी एक्सपेंडेड फॉर्म, ये नंबर होता है हमारा, ये इसकी क्या होती है, एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। तो जो इस क्वेश्चन में आपके पास, इस क्वेश्चन में आपको 5 नंबर दिए गए हैं, तो एक नंबर मैंने बताया आपको, बाकी आपने ट्राई करने इसी तरीके से, ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। अब की बार क्या कर रखा है, हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है, हमने उससे क्या बनाना है, नंबर बनाना है। रिवर्स ऑर्डर रहेगा, जैसे कि एक्सपेंडेड फॉर्म दे दी, इससे अब नंबर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो देखो आप, जैसे कि ये है हमारे पास फर्स्ट पार्ट, 8 × 10^4 है, तो 40 आ जाएंगे इसके पीछे, 80,000 हो गया ये। आगे क्या है, 6 × 10^3, तो 6 × 10^3 है, तो 3 0s आ जाएंगे पीछे। फिर क्या, 0 × 10^2, तो 0 आपने लिखना है, 10^2 इसके पीछे आ गई। फिर हमारे पास क्या है, 4 × 10^1, 4 × 10^1 इस तरीके से देखो, 8 × 10^4, 10^3, 10^2, 10^1, देन है 5 × 10^0। तो इस तरीके से हो गया, ये एक्सपेंडेड फॉर्म को सोल्व कर लिया हमने। फिर जो इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि इनके बीच में जो है एडिशन का साइन है आपके पास, ठीक है, तो 0 6 8 ये आपका फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक्सपेंडेड फॉर्म को नंबर में कन्वर्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में आपके पास 4 पार्ट हैं, बाकी 3 आपने ट्राई करने हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आप इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है वो देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करें, जैसे कि कोई कितना भी बड़ा नंबर हो, पहले उसको क्या करेंगे हम, एक मतलब कि जो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे उसको, डेसिमल इनटू में एक्सपोनेंशियल। जैसे कि हमारे पास एक नंबर है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो एक नंबर लेंगे, जैसे कि 5 ले लिया, 5 से स्टार्ट हो रहा है ये, 5 ले लिया। बाकी जो है, जो आपने ये पहले वाला डिजिट लेना है, ये 1 और 10 के बीच में होना चाहिए, जैसे कि 1 से 10 तक कुछ भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 9.5 हो सकता है, 8.3 भी हो सकता है, 7.4 भी हो सकता है, इस तरीके से, मतलब कि 0.1 भी हो सकता है, 0.1 भी कर सकते हो आप इसको, ठीक है, 0.1.0 कर सकते हो, 1.0 से स्टार्ट कर सकते हो इसको, ठीक है। तो 5 है, 5 इंटू में क्या लिखेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 10^7। ये जो क्या होगी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी हमारी, नंबर इनटू में
एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये आपकी क्या बनती है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है। जैसे इसका फोर्थ पार्ट है वो आपको मैं करके दिखा रहा हूँ, दोनों पार्ट करवा दूँगा तो आपको सही समझ में आ जाएगा। ये जैसे कि फोर्थ पार्ट में देखो नंबर क्या है हमारे पास, 390878। तो इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 3.12345। तो इसको हमने डेसिमल लगाया है, तो ये भी ऐसे ही है, मैं आपको बताता हूँ अभी। तो जैसे कि देखो हमने डेसिमल कहाँ लगाया है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट के बाद लगाया है, तो इंटू 10^10 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसमें भी ऐसा ही था, डेसिमल हमने लगाया 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट को, इसको 5.000000 ये बनता था हमारे पास, ठीक है। तो 5.0000 क्या होता है, 5 ही होता है। तो इस तरीके से आपने डेसिमल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। जैसे कि जितने भी डिजिट डेसिमल लगाया जितने डिजिट के बाद, उतने ही 10^10 आपने लगानी है। जैसे कि यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, आफ्टर 5 डिजिट के बाद हमने डेसिमल लगाया है, तो 10^10 क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर, इसमें भी कितने पार्ट है आपके पास, 6 पार्ट है, वो सभी आपने क्या करना है, ट्राई करना है उनको, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट में देखो क्या आगे, फोर्थ क्वेश्चन में एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये जो नंबर दे रखा है वो स्टेटमेंट में दे रखा है, इसको भी क्या करना है, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सेम एज इट इज है क्वेश्चन हमारा ये। जैसे कि ये क्या है, 3 8 4, तो डेसिमल देखो हम कहाँ से लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट के बाद हमने डेसिमल लगाया है, ठीक है। तो बाकी जो जीरो है वो हट जाएंगे पीछे से, और 10^10 क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10^8। इस तरीके से आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी थी हमारी एक्सरसाइज 13.3। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, एक्सपोनेंट एंड पावर्स, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।